दोस्तों बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी बीपीएच आम भाषा में अगर कहें तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसका साइज अगर बढ़ गया हो तो दवाई के साथ साथ खान पान यानी डाइट में क्या क्या बदलाव करना चाहिए या क्या परहेज करना चाहिए जिससे कि आप बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि बीपीएच की समस्या से जल्द निजात पा सकें। तो आज का ये कम्प्लीट वीडियो इसी पर आधारित है। अगर आप बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया के कारण लक्षण तथा उपचार के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। वापस आते हैं असल टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वे कौन कौन से फूड्स हैं जिसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी कि बीपीएच के केस में अवॉइड करना चाहिए। तो इन श्रेणी में से एक है रेड या प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स होता है और ये फैट कहीं ना कहीं प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। और कुछ स्टडीज यह बताती है कि सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। यही वजह है कि ज्यादा मात्रा में रेड मीट का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। और एक रीजन इसके पीछे ये है कि इसको पकाने के बाद हाइड्रोसाइक्लिक अमाइन बनता है। दरअसल में जब हाई टेम्परेचर पर एमिनो एसिड और क्रिएटिनिन रिएक्शन करता है तब यह हाइड्रोसाइक्लिक अमाइन बनाता है। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर एमिनो एसिड और क्रिएटिनिन कहाँ से आता है। दरअसल में एमिनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है और जो क्रिएटिनिन होता है वह मसल्स में पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन से जो हाइड्रोसाइक्लिक अमाइन बनता है वही कई तरह के कैंसर को पैदा करने में हेल्प करता है, जिसमें से एक है प्रोस्टेट कैंसर। अब इसको सुनने के बाद उतना घबरा नहीं जाना है कि ये तो रेड मीट के खाने से कैंसर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो एक फैक्टर हो सकता है, वो भी कब, जब एक्सेस में लिया जा रहा हो। इसलिए कहावत है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सवाल पैदा होता है कि रेड और प्रोसेस्ड मीट अगर नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगेगी। हाँ, सवाल तो बिल्कुल सटीक है, इसका जवाब साफ है कि आप इसके बदले में प्रोटीन युक्त स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि स्किनलेस टर्की या चिकन। तथा मछली की अगर बात करें तो सालमन फिश और टूना फिश में प्रोटीन ठीक ठाक मात्रा में मौजूद होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कुछ बीज जैसे कि मसूर की दाल और चिक पीस, टोफू, ये टोफू दरअसल में सोया मिल्क से पनीर के तरह ही तैयार की जाती है। इसके अलावा सोयाबीन, सूरजमुखी तथा तिल के बीज भी प्रोटीन के अच्छे खासे सोर्स माने जाते हैं। अवॉइड करने योग्य भोजन की श्रेणी में से नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अंतर्गत घी तथा फैट युक्त मिल्क का अत्यधिक सेवन, पनीर वगैरह वगैरह इसके अंदर आते हैं। तो इन सभी के वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि के एबनॉर्मली बड़े होने की संभावना हो सकती है। जबकि फ्लैक्स मिल्क, राइस मिल्क, आलमंड मिल्क, हेम्प मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क और केशव मिल्क, इसका उपयोग आप उस मिल्क के बदले में कर सकते हैं। अवॉइड करने की अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज है अल्कोहल, बियर, वाइन, विस्की यानी जितने किस्म के भी शराब हैं, सब के सब सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है। दोस्तों अल्कोहल के अलावा पीने की ढेरों सारी चीज दुनिया में अवेलेबल है, जैसे कि ताजे फलों का जूस जो कि एक्चुअल में शरीर के लिए हेल्दी होता है। अब बात करते हैं कि आखिर खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए जो कि बढ़े हुए प्रोस्टेट जैसी समस्या से निजात दिलाने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। तीन श्रेणी में से एक फल है दोस्तों एवोकाडोज। यह एक तरह का ऐसा फल है जो कि विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त होता है। गिनती के साथ बताते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें प्लांट एस्टेरॉल जिसे कि बीटा सीटोस्टेरॉल के नाम से जाना जाता है, यही वह पदार्थ है जो कि बढ़े हुए प्रोस्टेट को वापस से हेल्दी कंडीशन में लाने में मदद करता है। अलोंग विद दिस इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी वगैरह वगैरह तथा कुछ खनिज जैसे कि पोटेशियम तथा कॉपर आदि भी इसमें ठीक ठाक मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा डायट्री फाइबर्स, प्रोटीन, कैरोटीनॉइड्स तथा एंटीऑक्सीडेंट भी पाई जाती है। अपने डाइट में शामिल करने वाली नेक्स्ट चीजों की अगर बात करें तो हो सकती है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल तथा बीज का प्रयोग, ये भी प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा ऐसे फल जिसमें कि लाइकोपीन मिलता हो जैसे कि पपाया, एप्रिकॉट्स, टमाटर, पिंक ग्रेपफ्रूट और वाटरमेलन। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार लाइकोपीन पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को कम करता है क्योंकि इसी की अधिकता के परिणाम स्वरूप प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि यही पीएसए प्रोस्टेट कैंसर तक को इंड्यूस कर सकता है। दरअसल में लाइकोपीन एक तरह का रेड ऑर्गेनिक पिगमेंट है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा फिश एंड फिश ऑयल जैसे कि सालमन फिश तथा मैकरल फिश, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो कि शरीर में कहीं भी कैंसर तथा ट्यूमर के खतरे को कम करता है। हालांकि इसका सबूत कंट्रोवर्शियल है। इसके अलावा जहां तक हो सके सिट्रस फ्रूट्स या विटामिन सी कंटेनिंग वेजिटेबल्स का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। ऐसे फल या सब्जी का प्रयोग करने से प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना में कमी आती है। विटामिन सी के अगर सोर्स की बात करें तो ऑरेंज, लेमन तथा ग्रेपफ्रूट, और वेजिटेबल की अगर बात करें तो बेल पेपर में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा ब्रोकली, फूलगोभी, केल, ब्रुसेल्स स्प्राउट में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलते हैं।
और अगर बात करें तो ऐसे नट्स जिसमें कि जिंक मिलता हो उसका सेवन करना चाहिए। इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के अनुसार उस व्यक्ति में बीपीएच या प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा देखा गया है जिसके शरीर में जिंक की कमी होती है। जिंक बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथि के साइज को छोटा करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जिंक प्रोस्टेट कैंसर को होने से रोकता है। जिंक के सोर्स की अगर बात करें तो तिल के बीज, एडजुकी बीन्स, कद्दू के बीज, काजू, मूंगफली, बादाम, इन सभी के अलावा ब्राजील नट्स भी प्रोस्टेट की समस्या में आराम पहुंचाने में मदद करता है क्योंकि इसमें सेलेनियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है और यह सेलेनियम प्रोस्टेट कैंसर को इंड्यूस करने से बचाता है। इसके अलावा प्लांट एस्टेरॉल जैसे बीटा सिटोस्टेरॉल, इसके कंजम्पशन से भी प्रोस्टेट को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मददगार साबित किया जा सकता है। दरअसल में बीटा सिटोस्टेरॉल यूरिन फ्लो को सही रखता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब यूरिन फ्लो सही से होगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन तथा इन्फ्लामेशन होने की संभावना कम हो जाएगी तथा यूरिन डिटेंशन से भी बच सकते हैं। बीटा सिटोस्टेरॉल के अगर सोर्स की बात करें तो कैनोला ऑयल, एवोकाडो ऑयल तथा सूर्यमुखी के बीज और कद्दू के बीज तथा कुछ नट्स जैसे कि पिस्टेचियो, लेंटिल्स वगैरह वगैरह इसके अच्छे खासे सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा एलियम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी बीपीएच के केस में काफी मुफीद साबित होता है। एलियम वेजिटेबल्स के अंतर्गत प्याज और लहसुन आते हैं। इसका प्रयोग करने से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया का रिस्क कम हो जाता है। इसका प्रयोग तो आमतौर पर किया ही जाता है। इसके अलावा जो मकई का भुट्टा होता है उसके रेशम का प्रयोग भी प्रोस्टेट की परेशानी को कम करने में किया जा सकता है। इसके लिए उस मकई के रेशम को सही से धुलकर उसे उबाला जाता है तथा चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इतना मेहनत नहीं कर सकते तो होम्योपैथी में एक दवाई आती है क्लेमेटिस इरेक्टा जो कि इसी से तैयार की जाती है। यही वजह है कि क्लेमेटिस इरेक्टा बीपीएच तथा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिन फ्लो को करेक्ट करने की टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। खैर ये सब रहने देते हैं, बात कर लेते हैं कि कद्दू के बीज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए ताजा कद्दू के बीज को पानी में उबाल कर अच्छे से छान लें, फिर उस पानी को चाय के तरह सिप सिप करके पी लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, क्योंकि आप बहुधा इस वाक्य को सुनते होंगे कि यह फल वह सब्जी जिसमें कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्वास्थ्यवर्धक है। तो आखिर यह एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एंटी का तो सिंपली मतलब होता है खिलाफ, लेकिन ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन क्या है चलिए समझते हैं। दरअसल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है जबकि हम सांस लेते हैं फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाता है। इसका जवाब यह है कि जब हम सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है और उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन की क्रिया होती है, तो उसी के दौरान ही ज्यादातर रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन तथा कई तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटी के दौरान इस तरह के फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट बनते हैं। इन फ्री रेडिकल्स की श्रेणी में सुपरऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स आते हैं। इसी फ्री रेडिकल या रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीडेंट को जो न्यूट्रलाइज करता है उसे ही एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में बनते हैं इसका कुछ न कुछ तो काम होगा। इसका उत्तर है यस, काम तो है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है तथा हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में हमारे लिए एज अ इम्यून रिस्पॉन्स कार्य करता है तथा बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी कि हानिकारक विष पदार्थ से मुक्ति दिलाता है तथा और भी बहुत सारे कार्यों को अंजाम देता है। अब सवाल पैदा होता है कि जब इतने सारे अच्छे कार्यों को अंजाम देने वाला ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में है ही, इसको खत्म या न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि जब ये फ्री रेडिकल या रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीडेंट ज्यादा बनने लगता है, इसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं होता है, यह फ्री रेडिकल फिर या फालतू नहीं बैठता है बल्कि हमारे सेल के डीएनए तथा सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगता है। इसीलिए इसके वजह से कैंसरस ग्रोथ होने लगता है। यही कारण है कि इसको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। हालांकि नेचुरली भी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, लेकिन बाहर से भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है ताकि प्रॉपर बैलेंस बना रह सके। खैर ये तो हुआ एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डाइट से ही बीपीएच को कंट्रोल कर लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ दवाई की भी जरूरत पड़ती है। और डाइट में भी कौन कौन सी डाइट आपके लिए बेहतर रहेगा वो तो एक क्वालिफाइड फिजिशियन ही बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किडनी स्टोन हो और आप लाइकोपीन की प्रचुरता की वजह से टमाटर खाए जा रहे हैं, इससे आपके किडनी स्टोन के साइज में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह के जितने भी खाने की चीजें बताई गई है वो हो सकता है कि आपके और दूसरी बीमारी के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए अगर आपको बीपीएच की प्रॉब्लम है तो आप क्वालिफाइड फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसे अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री बतावें, तब वो आपके लिए प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन तथा आपके केस के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी डाइट सही रहेगा उसके बारे में आपको बताएंगे। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।